वेलकम बैक टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच मेरी ब्राइडल सीरीज के वीडियोज़ को इतना ज़्यादा पसंद करने के लिए, वॉच करने के लिए. बिकॉज इन जनरल भी देखो, अगर मैं आपके साथ में कुछ ब्राइडल से रिलेटेड टिप्स शेयर करती हूँ तो भी आप उस चीज़ को लाइक करोगे, अप्रिशिएट करोगे. लेकिन जब आप खुद इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे होते हो ना, तब उनमें एक रियल टच आ जाता है. तो मैं भी अभी उसी टाइम से गुजर रही हूँ. मेरे खुद के प्री ब्राइडल रूटीन में मैं ये वाली सारी चीज़ें कर रही हूँ और तब उनको आपके साथ में शेयर करने की जो हैप्पीनेस है ना, वो तो मतलब आई कैन एक्सप्लेन. एंड ऑन द टॉप ऑफ इट, आप भी मेरे एफर्ट्स को ना वेस्ट नहीं जाने दे रहे हो. सो थैंक यू अगेन. अगर आपने मेरी ब्राइडल सीज का कोई भी वीडियो मिस कर दिया है, आपको पता ही नहीं है, तो यहाँ पे आई बटन पे आप चेक कर सकते हैं. सारे वीडियोज आपको वन बाय वन मिल जाएंगे. नाउ इन दिस वीडियो मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ मेरा प्री ब्राइडल बॉडी केयर रूटीन. बिकॉज स्किन, हेयर, मेकअप, ये सारी चीज़ों के साथ साथ हमको बॉडी की भी प्रॉपर केयर करनी पड़ती है फॉर दैट विद इन काइंड ऑफ ग्लो. अभी तो डेफिनेटली हाइलाइटर का भी झलका आ रहा होगा, बट नेचुरली भी मेरी स्किन ग्लो करे उसके लिए भी मैं एक रूटीन फॉलो कर रही हूँ. कुछ फिक्स सेट ऑफ स्टेप्स हैं जो कि मैं कर रही हूँ, जो कि शायद आपको भी हेल्प करेंगे. शादी कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, या वैसे ही चमकाना है बॉडी को, तो आप फॉलो कर सकते हो. सो नो इंट्रो बहुत लंबा हो रहा है. नाउ विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड. वेल, विद ऑल द प्री वेडिंग स्ट्रेस अराउंड यू, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, है ना. यू नो वॉट, तभी ही बॉडी मसाजेस की एंट्री होती है, बिकॉज दे आर रिलैक्सिंग AF. जहाँ बॉडी मसाजेस ना सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं, बल्कि स्किन भी टोन होती है, इवन टोन भी करते हैं, प्लस नरिश भी होती है. अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर बार सलोन में ही जाके आपको बॉडी मसाज कराना है. आप घर पर भी बैठ के कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, स्वीट आमंड ऑयल, विटामिन ई, इन सब का यूज़ कर सकते हो. तो आपकी चॉइस है, आप चाहे तो घर में बना के यूज़ कर सकते हैं या फिर इसको भी ट्राई कर सकते हैं. कुछ सेशंस के बाद में ना आपको खुद को दिखेगा आपके स्किन टेक्सचर और स्किन अपीयरेंस में कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट होता है. एक रिलैक्सिंग बॉडी मसाज के बाद में यू विल फील कि आपकी स्किन कितनी ज़्यादा सप्पल और सिल्की स्मूद हो गई है. एंड लास्टली स्किन में ना एक शाइन ऐड हो जाती है जो कि लॉन्ग लास्टिंग रहती है. बैक पर दाने होना बहुत ही ज़्यादा कॉमन है. सबसे पहले इसका प्रिवेंशन ज़रूरी है. देखो, जब भी आप बैक पे वैक्स करवाते हो, ब्राज़ीलियन वैक्स स्पेशली, तो उसके बाद में आपको मेक श्योर करना है दैट यू यूज़ अ गुड एक्सफोलिएटर, क्योंकि उस वैक्स की जो लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है. तो जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो भी रिकमेंड करते हैं कि स्क्रब यूज़ करना है. और अगर हो ही गया है तो उसको ट्रीट करने के लिए आपको यूज़ करना है 2 parts एप्पल साइडर विनेगर और 4 parts आपको फिल्टर्ड वाटर लेना है. स्प्रे बॉटल में डाल के आपको उसको यूज़ करना है. लीव इट ऑन एज इट इज़, क्योंकि ना चिपचिप करता है ना क्या, सो क्या प्रॉब्लम है रखने में. इस स्टेप को डेली करने से आपको बहुत ही सही रिजल्ट्स मिलेंगे. हम यहाँ स्किन ग्लो की बात करते हैं और कुछ ही तो स्किन ही अनइवन होती है. तो स्किन को इवन टोन बनाने के लिए ना मैं क्या करती हूँ, लेमन और हनी. लेमन को हाफ कट करके आपको जूस एक्सट्रैक्ट कर लेना है, लेकिन लेमन को डिस्कार्ड नहीं करना है आपको. हनी भी ले लीजिए थोड़ी सी और मिक्स कर लीजिए. आफ्टर दैट आपको उसका एप्लीकेशन उस लेमन की हेल्प से ही करना है. अप्लाई दिस ऑन योर नेक, शोल्डर्स, जहाँ पे भी आपको अनइवन स्किन टोन की प्रॉब्लम है. आप अपने हैंड्स पे भी लगा सकते हो, कौन रोकता है. जनरली मैं बात कर रही हूँ नेक एरिया की, जो कि थोड़ा सा अलग और डार्क दिखता है. और बैक पे भी आप उसको यूज कर सकते हो. मैं यूज अभी नहीं कर पा रही थी खुद से, तो मैंने क्या किया, अभी तकरीबन 5 से 10 मिनट तक आपको छोड़ना है, बाद में नॉर्मल पानी से निकाल देना है. एक बहुत ही बड़ा डिस्क्लेमर, अगर आपकी बॉडी पे एक्टिव एक्ने हैं, किसी भी तरीके के एलर्जिक रिएक्शंस हो रखे हैं, डू नॉट ट्राई दिस एट ऑल. और तब तक नहीं करना है जब तक स्किन नॉर्मल नहीं हो जाती. स्मूथ स्किन के लिए डेड सेल्स को रिमूव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टेक्सचर्ड स्किन किसको पसंद आती है, राइट. तो इस स्टेप में मैंने यूज़ किया है वाव स्किन साइंस का उपटन फेस एंड बॉडी स्क्रब, समथिंग जो कि आपके फेस और बॉडी दोनों पे यूज़ हो सकता है, मेकिंग इट ट्रैवल फ्रेंडली एज वेल, क्योंकि आपको एक ही पैक कैरी करना पड़ेगा. एंड यू नो वॉट, अफोर्डेबल भी है, जिसमें सारे नेचुरल इन्ग्रीडियंट हैं. डेड स्किन लेयर को भी रिमूव करेगा. वैसे तो आई नो बहुत सारे तरीके हैं बॉडी हेयर रिमूव करने के लिए, लेकिन इसमें जो बेसन है ना, वो भी फाइन बॉडी हेयर को रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है. पूरे बॉडी पे भी इसको यूज कर सकते हैं. इसके जो पार्टिकल्स है ना, वो बिल्कुल वेल राउंडेड हैं, इरिटेट बिल्कुल नहीं करेंगे स्किन को. आप इसको दादी नानी के नुस्खों से इंस्पायर्ड बॉडी स्क्रब भी बोल सकते हो. समर ब्राइड्स का BF अगर सनबर्न है ना,
तो BFF आइस क्यूब भी होना चाहिए, अब वो चाहे एलोवेरा वाला हो या फिर नॉर्मल वाला। यू नो व्हाट, आपको आइस क्यूब्स को आपको लगाना है अफेक्टेड एरियाज पे, दिस वर्क्स वंडर्स, बट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो अप्लाई सनस्क्रीन जब भी आप बाहर जाएं और अपनी बॉडी को कवर करना बिल्कुल ना भूलें। वेल, नेचुरल ग्लो के लिए टोमेटो शुगर स्क्रब इज अ ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन। यू नो, स्किन को नेचुरली शाइन देता है। हनी भी ऐड कर सकते हो, इवन बेटर। हाफ टोमेटो को कट कर लीजिए और शुगर को ना क्रश करके यूज करना है, क्योंकि शुगर एज इट इज काफी ज्यादा रफ होती है स्किन पे, और ऐसे यूज कर लिया तो हो गया काम फिर। तो शुगर को आपको क्रश करके ही यूज करना है, और उसके बाद में टोमेटो पे स्प्रिंकल कर दीजिए, और टोमेटो को स्क्वीज करते हुए आपको उसको अपने बॉडी पे अप्लाई करना है, जहां पे भी आपको ग्लो ऐड करना है, मेनली पूरे बॉडी पे। तो गो अहेड एंड अप्लाई दिस ऑन ऑल ओवर योर बॉडी। अगेन, एक बहुत सही तरीका टैनिंग को भी रिमूव करने का। इस स्टेप को मैं रिंग्स को निकाल के भी अप्लाई करना पसंद करती हूँ, बिकॉज आप देखोगे रिंग को निकालते ही ऐसा कुछ सर्कल सा बन जाता है, विच ऑब्वियसली डजंट लुक गुड। अब जब ये वाला स्टेप याद आ ही गया है, तो मैं इसको वीकली 2 से 3 बार तो पक्का करने वाली हूँ। आप भी इसको वीक में 2 से 3 बार तो आराम से कर सकते हो, सिंस इट्स ऑल नेचुरल ना, तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते। ब्राइडल बॉडी केयर रूटीन की ना नीड हो जाती है, बिकॉज ये ना सिर्फ नरिशमेंट देते हैं स्किन को, बल्कि हाइड्रेटेड भी रखते हैं। प्लस अगर कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट आप यूज़ करते हो ना, तो उसकी तो बात ही अलग है। मैंने यहाँ पे यूज़ किया है नेचुरल इंग्रेडिएंट से ही बना हुआ, प्लस हमारी दादी नानी के नुस्खों से इंस्पायर्ड पैक, जो कि है वाओ उपटन फेस एंड बॉडी पैक। आई किड यू नॉट गाइस, जब से ये आया है ना, इसका ये पहला डब्बा है, बट लास्ट बैच है। मैं इसको आर्मपिट्स पे भी यूज़ करती हूँ, ग्लो के लिए नहीं, बट वो ब्राइटनिंग इफेक्ट जो आता है ना, प्लस वो एक स्मूदनेस आ जाती है मेरी स्किन में। आई टोटली लव दैट, मुझे बहुत पसंद है इसे यूज करना। इट एक्चुअली वर्क्स एज अ नेचुरल डी टैन रेमेडी, तो आपको कुछ टैनिंग के लिए अलग से करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑल यू हैव टू डू इज आपको अप्लाई करनी है एक इवन लेयर, और इसको रखना है तकरीबन 10 से 12 मिनट तक। यू कैन लिटरली यूज दिस पैक ऑल ओवर योर बॉडी, बी इट योर चेस्ट एरिया, नेक, आपकी बैक हो गई, हैंड्स हो गए, नकल पार्ट हो गया, ऑन योर लेग, ऑन योर स्टमक, एवरीवेयर, लिटरली एवरीवेयर। नेचुरल शाइन ऐड करता है आपकी बॉडी में, जो कि आई एम श्योर यू विल लव दैट। जहां जहां पे मैं नहीं लगा पाती ना, वहां पे मैं सिर्फ एक ही लाइन बोलती हूँ, भाभी। आई लव यू सो मच भाभी, मेरी इतनी हेल्प करने के लिए। वैसे तो आपको ये चीज़ शार के टाइम पे करनी है, बट यहाँ पे मैं अभी शार नहीं ले सकती ना वीडियो के बीच में, तो मैंने पैक को रिमूव किया है यूजिंग अ वेट टॉल। द मिनट यू रिमूव द पैक फ्रॉम योर स्किन ना, आपको वो ग्लो दिखेगा अपनी स्किन में। एंड यू नो व्हाट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम ये सब उस ग्लो के लिए ही तो कर रहे हैं। डार्क स्पॉट या फिर डार्क मार्क्स के लिए सिंपल लेकिन इफेक्टिव वे है, पोटैटो स्लाइस कट करके आपको रब करना है डायरेक्टली अपने अफेक्टेड एरियाज पे। आई नो जूस एक्सट्रैक्शन वाला जो मेथड है वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस रहेगा, एंड ट्रस्ट मी, आपको किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं लेना है, चाहे वो आलू का जूस निकालना ही क्यों ना हो। सो आप इन स्लाइस को डायरेक्टली अपने नीज पे, एल्बोज पे, और जो भी अफेक्टेड एरियाज हैं, जहाँ पे भी आपको लगता है आपको मार्क्स हैं, प्रॉब्लम है, अपने फेस पे भी लगा सकते हैं इसको। एंड ये वाला तरीका जो एक्सीडेंटल मार्क्स होते हैं ना, जिनको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होता है, उसमें भी हेल्प करता है। ड्राई ब्रशिंग, ये स्टेप ना आपकी स्किन को नेक्स्ट लेवल ही स्मूथ बनाता है, ट्रस्ट मी। ये हैंड ग्लव भी बहुत ज़्यादा चीप आता है, बट इफेक्टिव बहुत है। आई विल लिंक दिस हैंड ग्लव इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। आप इसको पूरे बॉडी पे अप्लाई कर सकते हो, कोई सा भी बॉडी पार्ट हो, आर्मपिट्स पे भी अप्लाई कर सकते हो। आप इसको वेट करके शावर जेल को भी अप्लाई करने के लिए यूज़ कर सकते हो। ऐसा करने से आफ्टर शावर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा स्मूद और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फील होगी, और प्लम्प भी बनती है, ऐसा मैंने नोटिस किया है। भाभी, लास्टली यू कैन चेक आउट वाओ स्किन साइंस उपटन रेंज, जिसमें आपको फेस एंड बॉडी वॉश भी मिलेगा अदर देन दिस फेस एंड बॉडी स्क्रब एंड पैक। यू नो व्हाट, ऑल द वाओ प्रोडक्ट्स आर फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स, नो कलर्स, नो पैराबेंस, नो सिलिकॉन एंड नो सल्फेट। सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, सो चेक देम आउट। दैट्स ऑल आई हैव इन दिस वीडियो गाइस, आई होप आपके लिए वाला वीडियो हेल्पफुल रहा होगा और यूजफुल भी रहा होगा। अगर आप भी फॉलो करते हैं तो वेल एंड गुड, अगर कोई ब्राइड टू बी को आप जानते हैं उनको शेयर करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ग्रूम टू बी है उनको भी शेयर कर दो, आई डोंट माइंड। जो भी सारे प्रोडक्ट्स और स्टेप्स मैंने मेंशन किए हैं उनकी सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो चेक कर सकते हैं। एंड एज ऑलवेज आई सी इन माय नेक्स्ट वन, टिल देन खुद का ध्यान रखिए, खुद से प्यार करिए, फेस और हेयर के साथ में बॉडी पे भी ध्यान दीजिए और ग्लो करिए, और ये भी याद रखिए, आई लव यू ऑल सो मच, बाय।